Hello, everyone. वेलकम सपोर्ट you आज के सेशन में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ स्ट्रिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक कोड दिया गया है और उसका आउटपुट बताना है और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्ड ऑप्शन बी कोडिंग ऑप्शन सी ओ ऑप्शन डी नन ऑफ एब तो चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर ऑप्शन सी ओ तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग को या तो सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर लिखते हैं और स्ट्रिंग में हमारे कैरेक्टर की पोजीशन जीरो जीरो से स्टार्ट हो तो सी हमारा पोजीशन पे है ओ हमारा वन पोजीशन पे है डी हमारा सेकंड पोजीशन पे है तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है प्रिंट ए वन तो वन पोजिशन वाली वैल्यू हमारी प्रिंट कर जाएगी इट मीन ओ हमारा प्रिंट कर जाएगा सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कोडिंग कॉमा वर्ड ऑप्शन बी डब्ल्यू ओ आर ऑप्शन सी डब्ल्यू ओ आर एल ऑप्शन डी नन ऑफ एब तो चलिए आंसर देख, तो देख लेते हैं अभी हमने डिस्कस किया स्टार्ट कि तो so होगा इट मीन डी हमारा माइनस वन है एल हमारा माइनस टू है एंड सो ऑन तो यहाँ पे प्रिंट कराया गया है प्रिंट बी माइनस फाइव कोलन माइनस टू तो माइनस टू पोजिशन पे हमारा एल है एंड माइनस फाइव पोजिशन पे हमारा W है इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो एंड वाला हमारा इंडेक्स होता है वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है तो माइनस फाइव पे हमारा W है देन माइनस फोर पे हमारा O है माइनस थ्री पे हमारा R है और ये माइनस टू पर हमारा L है तो L हमारा प्रिंट नहीं करेगा और ये प्रिंट कर जाएगा डब्ल्यू ओ आर सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कोड दिया गया है, पे गया है और इसका आउटपुट बताना है और यहाँ पे हमारे फोर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आउटपुट बताना है तो चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर ऑप्शन सी इन कैपिटल कोडिंग कॉमा वर्ड तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पाइथन में अपर मेथड हमारा रिटर्न करता है स्ट्रिंग इन अपर केस तो यहाँ पे ए के अंदर हमारा कोडिंग वर्ड है और हमने प्रिंट कराया है ए डॉट अपर तो ये हमारे स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में प्रिंट कर देगा तो ये हमारा कोडिंग वर्ड कैपिटल में प्रिंट होके आ जाएगा अगर वो ऑलरेडी कैपिटल में है फिर भी वो हमारा कैपिटल में ही रहेगा जैसे कि यहाँ पे सी और डब्ल्यू कैपिटल में है तो वो हमारा यहाँ पे भी कैपिटल में है ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहां पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है और यहां पे हमारे फोर ऑप्शन दिए गए हैं तो चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर ऑप्शन ए इन स्मॉल लेटर कोडिंग कॉमा वर्ड तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लोअर मेथड पाइथन में हमारा रिटर्न करता है स्ट्रिंग इन लोअर केस तो यहाँ पे देखिए ए के अंदर हमारा एक स्ट्रिंग है कोडिंग कॉमा वर्ड इसमें हमारे सी एंड एंडब्ल्यू कैपिटल में है तो जब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे ए डॉट लोअर तो ये पूरे स्ट्रिंग को हमारे स्मॉल लेटर में कर देगा और ये स्मॉल लेटर में प्रिंट होकर आ जाएगा कोडिंग कॉमा वर्ड तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कोड दिया गया है और उसका आउटपुट बताना है ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए हेलो ऑप्शन बी सिक्स एट सेवन नाइन एट ऑप्शन सी एरर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एब तो चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर ऑप्शन ए तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पाइथन में अगर बैक स्लैश फॉलो कर रहा है एक्स और एक हेक्स नंबर को देन रिप्रेजेंट करेगा हेक्स वैल्यू को तो ये एक्स के बाद एक हमारा हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है तो हेक्स वैल्यू के बराबर होगा और एक्स फोर्टी एट हमारा एच के इक्विवेलेंट होता, e होता है इस तरीके से सो so ऑन ये हमारा हेलो के इक्विवेलेंट होगा तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कोड दिया गया है और उसका आउटपुट बताना है ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए कोडिंग कॉमा वर्ड ऑप्शन बी स्पेस कोडिंग कॉमा वर्ड ऑप्शन सी कोडिंग वर्ड ऑप्शन डी नन ऑफ नर्ड तो चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर इज ऑप्शन ए कोडिंग कॉमा वर्ड तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पाइथन में स्ट्रिप मेथड जो होता है वो वाइट स्पेस को बिगनिंग और एंड से रिमूव कर देता है तो यहाँ पे ए में हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कराया है यहाँ पे कोडिंग के पहले स्पेस है देन जब हम प्रिंट कराएंगे ए डॉट स्ट्रिप देन ये हमारा वाइट स्पेस को रिमूव कर देगा और आंसर आ जाएगा हमारा कोडिंग कॉमा वर्ड सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज पे कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है एंड हमारे यहाँ पे फोर ऑप्शन दिए गए हैं तो चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर जो ऑप्शन ए कोडिंग कॉमा वर्ड तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पाइथन में स्प्लिट मेथड हमारा रिटर्न करता है एक लिस्ट को वेयर द टेक्स द स्पेसिफाइड सेपरेटर बिकम द लिस्ट आइटम तो यहाँ पे एक हमारा स्ट्रिंग है कोडिंग वर्ड जब हम प्रिंट कराएंगे ए डॉट स्प्लिट और इसके अंदर हमने कॉमा पास किया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कोड को दिया, दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है और यहाँ पे हमारे फोर ऑप्शन दिए गए हैं तो चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर इज ऑप्शन ए डिंग कॉमा वर्ल्ड तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे देखिए हमने प्रिंट कराया है बी टू कोलन और एंड वाला हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा हुआ है तो ये सेकेंड पोजिशन से लास्ट तक की सारी वैल्यू को प्रिंट करा देगा सेकेंड पोजिशन पे हमारा है डी क्योंकि सी हमारा जीरो पोजिशन पे ओ हमारा फर्स्ट पोजिशन पे तो ये डिंग कॉमा वर्ड हमारा प्रिंट कर देगा सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए कोडिंग वर्ड ऑप्शन बी कोडिंग वर्ल्ड ऑप्शन सी कोडिंग ऑप्शन डी नन ऑफ एब तो चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर ऑप्शन बी कोडिंग

बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू